दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। नमस्कार, मैं हूं राजीव रंजन और आप देख रहे हैं जनादेश न्यूज। बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग में कई सिविल सर्जनों का तबादला हुआ है। इतना ही नहीं, कई जिलों के सिविल सर्जन को बड़ी जिम्मेवारी दी गई है और उन्हें एडिशनल डायरेक्टर और जोनल एडिशनल डायरेक्टर के पद पर भेजा गया है। बिहार स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त सचिव अनिल कुमार की ओर से जारी पत्र के मुताबिक अररिया, भागलपुर, नालंदा, पूर्णिया, सारण, शेखपुरा, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, जहानाबाद, मधेपुरा और सुपौल जिले में नए सिविल सर्जन को पदस्थापित किया गया है। इसके अलावा शेखपुरा के सिविल सर्जन डॉक्टर वीर कुमार सिंह को पूर्णिया का क्षेत्रीय अपर निदेशक बनाया गया है। शेखपुरा के सिविल सर्जन डॉक्टर वीर कुंवर सिंह के अलावा सुपौल के सिविल सर्जन डॉक्टर कृष्ण मोहन प्रसाद, गोपालगंज के सिविल सर्जन डॉक्टर त्रिभुवन नारायण सिंह और अररिया के सिविल सर्जन डॉक्टर रूप नारायण कुमार को हेल्थ डिपार्टमेंट में एडिशनल डायरेक्टर के पद पर भेजा गया है। वहीं राज्य स्वास्थ्य विभाग से जारी अधिसूचना के आलोक में नालंदा में नए सिविल सर्जन के रूप में डॉक्टर सुनील कुमार की तैनाती की गई है। नवनियुक्त सुनील कुमार सारण जिला के निवासी हैं। वर्तमान में वह मधुबनी के अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी के पद पर कार्यरत थे। सीएस डॉक्टर राम कुमार सिंह के सेवानिवृत्त होने के बाद यह पद खाली था। नवनियुक्त पदाधिकारियों के लिए जिले की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को पटरी पर लाना चुनौती से कम नहीं होगा। जानकारी के अनुसार आपको बताते चले कि बिहार राज्य स्वास्थ्य विभाग के द्वारा लगभग एक दर्जन से अधिक सिविल सर्जनों का तबादला किया गया है, जिसमें कई जिले के सिविल सर्जन के साथ साथ कई जिलों के सिविल सर्जन को बड़ी जिम्मेवारी दी गई है। दोस्तों, लगातार हम आप तक अपडेट्स पहुंचा रहे हैं। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए और पाइए बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबरें। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कॉमेंट्स कीजिए और लाइक कीजिए। अगर वीडियो फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को भी फॉलो कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियोस।